आपको ये बता दूं कि कल रात तक जो केसेस मेरे पास रिपोर्ट आई है उसके अंदर थे अबाउट 390 या 94, इस तरह का कोई नंबर था, लेट्स से 400 नंबर है। ये पूरे पंजाब के अंदर हुए ये केसेस, ये पूरे पंजाब का मैं आपको नंबर बता रहा हूँ जो बच्चों और टीचर्स का है। सो कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कल हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, उसमें सारे बैठेंगे हम दोबारा, मगर एक बात जरूर समझ, किसी वक्त भी स्कूलों को बंद किया जा सकता है, क्योंकि अगर सिचुएशन पहले की तरह दोबारा स्पाइक की तो स्कूल्स बंद किए जा सकते हैं, मगर अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। सो जो स्कूल्स चल रहे हैं, जिस स्केड्यूल पे चल रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा SOPs स्कूल्स में फॉलो किए जा रहे हैं। आप बाहर मार्केट्स में देख लें, आप बाकी जगहों पर देख लें, मेरे ख्याल से इतने फॉलो नहीं किए जा रहे जितने जिस तरह स्कूल्स में SOPs फॉलो किए। देखिए मैं समझता हूँ कि छुट्टियों से अब हमें ज़रा गुरेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत छुट्टियाँ बच्चों ने की, मगर मेरे ख्याल से हमें छुट्टियाँ तो देनी पड़ेंगी। अब ये डिसाइड करना है कि वो कम होंगी या ज़्यादा होंगी, वो अभी उस पर डे टू डे फैसला हो रहा है, वीक टू वीक फैसला करेंगे, क्योंकि